गुमला जिले के रामनगर निवासी समर्थक साहू की करंट लगने से मौत हो गई है। घटना के संबंध बताया जा रहा है कि मृतक कुएं का पानी सुखाने के लिए गए थे, जिस दौरान बिजली के टूलू मशीन के तार के करंट के चपेट में आने से मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। अपना कुआं को पटाने के लिए पानी हटवाने आए थे, उसी बीच में हादसा हो गया, करंट लग गया, डेथ हो गया। तो गाँव एक आदमी जो बड़े यार साहब हैं वही आए थे, अपना कुआं भी उनका खुला रहा है देखने के लिए, वही बीच में इनको देखे तो वहाँ गिरा पड़े हुए हैं। तो फिर खबर लगा, डेढ़ घंटा तो वहीं पड़े हुए थे, उनको जानकारी नहीं था। घर के आदमी तो जान रहे थे कि वहाँ गए हैं, तो ऐसा हादसा हो गया, उसको किसी को। बिहार में इन दिनों अपराधियों का आतंक चरम पर है। आए दिन अपराधी घटना को अंजाम देकर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। ताजा मामला बेगूसराय जिले के पपेरा गांव का है, जहां अज्ञात अपराधियों पर एक महिला की पीट पीट कर हत्या का आरोप लगा है। मृतका की पहचान परेरा निवासी चुनचुन देवी के रूप में की गई है। तो वहीं हत्या के बाद से ही मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया है। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार अपराधियों की तलाश में जुटी है। समस्तीपुर की रोसड़ा पुलिस ने बीती दिनों अपहृत हुए व्यक्ति को बरामद कर लिया। इसकी जानकारी देते हुए रोसड़ा थाना अध्यक्ष सीताराम प्रसाद ने बताया कि संजय शाह के पुत्र रोहित कुमार ने थाने में आवेदन देकर अपने पिता के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपने चाचा चाची और चचेरे भाई को ही आरोपी बनाकर अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों से पूछताछ करने पर जमीन विवाद की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने अपहृत का मोबाइल नंबर सर्विलांस में डाला, जिसमें लोकेशन समस्तीपुर जंक्शन के आसपास आ रहा था, और इसी के आधार पर रोसड़ा पुलिस ने जंक्शन से व्यक्ति को बरामद कर लिया है। तो वहीं पूछताछ में खुद ही घर छोड़ने की बात उसने कबूली है।